गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? यहाँ सुबह के 7:30 हो चुके हैं एंड विंकल सो रही है। आज विंकल की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक्चुअली उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, 2 दिन से वो बहुत कम बहुत लाइट खा रही है। कल उसने रात कुछ टुकड़े पनीर के खाए थे और उसके बाद उसने कुछ नहीं खाया। पूरी रात वो इसी तरह से रहती है और थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पीती रहती है। पता नहीं क्या हुआ है उसे, उसकी शायद एक ना एक लेफ़्ट साइड पे दांत आ रहा है जिसकी वजह से जार जिसको बोलते हैं, है ना, तो उसकी वजह से शायद उसको पेन हो रहा है। और जब हम उससे पूछते हैं विंकल कहाँ पे पेन है तो वो कहती है यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है, शायद उसकी वजह से है। और सो भी प्रॉपरली नहीं रही है तो उसको शायद थोड़ा बहुत फीवर भी था। मैंने मेडिसिन दी है मेरे हस्बैंड ने कल, उसे थोड़ा फ़र्क लग रहा है लेकिन अभी जैसे कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बड़ी मुश्किल से उसने 1 किलो वेट अपना गेन किया था लेकिन अब मुझे लग रहा है 2 दिन से कुछ नहीं खाया फिर से डाउन ना हो जाए। तो अब मैं डॉक्टर को कॉल करूँगी 8:30 और फिर मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। सीरियसली मतलब बहुत मुश्किल होता है बच्चों का ना, बहुत बहुत मुश्किल होता है। बच्चे भी हमारी तरह ही हैं यार, है ना, जितना हम अपने आप की केयर करते हैं बच्चे भी वैसे ही होते हैं। सो वेल, अभी का हुलिया मेरा सुबह का ऐसा ही होता है, हर किसी का ऐसा होता है, चाहे वो यूट्यूबर हो चाहे ब्यूटी ब्लॉगर हो चाहे कोई भी हो। तो वेल, अभी मैं देखती हूँ विंकल को, रात को शायद गेस्ट भी आने वाले हैं और बहुत खिला रहा है क्योंकि बारिश की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हुई। कल विंकल ने वॉमिटिंग करके पूरा कंबल वो जो था वो गंदा कर दिया और फिर उसको वॉश किया। फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरे कपड़े भी वॉश कर दूँ, थोड़ी सी धूप निकली थी, फटाफट वॉश करके कपड़े डाल के आई ऊपर सुखाने के लिए। फिर सिर्फ मुझे लग रहा है 1 घंटा वहाँ पे कपड़े रहे हैं, उसके बाद फिर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, फिर से वापस लेके आई हूँ कपड़े। और अब प्रीत ने बाहर वायर लगाई हैं 2 और उनके ऊपर कपड़े डाले हुए हैं, बास्केट के अंदर कपड़े डाले हुए हैं। मैं बता नहीं सकती कहाँ कहाँ के कपड़े कहाँ कहाँ खिला रहे हुए हैं हमने। मतलब वो देखिए की स्टैंड जो है वहाँ पे भी मैंने कपड़े रखे हुए हैं। मतलब इतना बुरा हाल है। तो एनीवेज आज देखते हैं, शायद धूप निकलेगी तो सारे कपड़े डाल के आऊँगी और विंकल को भी डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ ताकि ये प्रॉपर ठीक हो पाए। क्योंकि मेडिसिन लेती है फिर कूदना शुरू कर देती है, फिर इसको लगता है एनर्जी आ गई है बॉडी में, फिर ऐसे ही हो जाती है, मुरझा जाती है फिर से। तो इसे मैं लेके जाती हूँ डॉक्टर के पास एंड देखते हैं, गेस्ट आते हैं और आज थोड़ी सी हेल्प लेती हूँ रहने की। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में गाइस। हे गाइस, अब मैं आपको मिल रही हूँ विंकल को डॉक्टर के पास लेके आने के बाद। विंकल अभी आप पीछे देख सकते हैं, वो अभी सोई पड़ी है और वो पीछे तो मैं काफ़ी हूँ। नहीं उस तरफ भी दिख रही है वो। एक्चुअली अब वो काफ़ी ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि वो अपने दांत निकाल रही है, जाड़े निकाल रही है अपने 2, उसकी वजह से वो थोड़ी सी अपसेट है। सो दैट्स वाई इसको लग रहा है कि वो बहुत वीक है, सो दैट्स वाई वो काफ़ी आराम चाहती है ना प्रीत? और टैप मेडिसिन जो की है डॉक्टर ने वो एमसेट कहते हैं ना उसको, नहीं, एमसेट ब्रूफन है जब ब्रूफन एंड एमसेट, पैरासिटामोल पैरासीटामोल, ओके मॉल नहीं हाँ मोल पैरासीटामोल मॉल व्हाटएवर, मतलब वो मेडिसिन देनी है उसको, एक 4 ml और एक साढ़े छः मैं दिखता एम ही है तो मेरे बराबर तो हो पका के एल मैं भी दिखना, आगे हो जाओ ना, आगे आगे पीछे ना मैडम मैं पीछे रहो फिर। ऐसे भी हस्बैंड वाइफ के पीछे ही होना चाहिए, है ना। सो अभी हमारे घर पे आने वाले हैं गेस्ट, सो हम उनका वेट करते हैं, थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। इनका कज़न जिसकी शादी में हमने जाना है उसका पूरा पूरा आपको मैं व्लॉग शेयर करूँगी, उनकी शादी का पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, है ना। तो अभी हम एक्चुअली मूवी देख रहे हैं सामने। कौन सी मूवी है ये प्रिक? नहीं पता नहीं मूवी कौन सी है वैसे ही लगा ली तो ओके अभी हम सामने एक मूवी चल रही है, सोनाली, नहीं क्या नाम है इसका, थोड़ा पीछे तो कर ले जा रहे मेरे तू यहाँ नाम मुझे पता नहीं क्या है, अभी नाम वो भी लाइट पता नहीं क्यों आ रही है, लाइट साइड सामने से आ रही है ना। कुछ तो लाइट यस, करेंगे ना एक्चुअली हम ऐसे हमेशा ऐसे सोचते हैं कि बच्चे जब बहुत शरारत करते हैं तो हम सोचते हैं कि आप कैमरा में फिट आ नहीं सकते। ये कैमरा में फिट नहीं आ सकते, मतलब हाँ ठीक भूल है जाओ। ना पीछे लाइट पे रही थी उधर हाँ उसके साथ, या मैं कह रही थी कि जब बच्चे बच्चों को अब बोलते हम हैं गाइस चुप करके जाएंगे बैठो, अब मैडम ने अपना सूट सिलाई करना देना है हाँ इसका नया एक काम सूट रहता है और एक सैंडल लेके आई थी वो वो वापस वापिस करने करने हैं, हैं। वो कल के व्लॉग में आपने हाँ देखा होगा मतलब मैंने जो व्लॉग चीज में लेके दिखाया। आती है एक बार का ना पहले लेके दोबारा वापस जरूर करनी है
नहीं पसंद आती, और वो आपकी पसंद के थे, मेरी पसंद के नहीं मेरी थे, पसंद नहीं, तेरी वो पसंद पता थी। कैसे ठक 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 करते हैं जब चलती हूँ, बहुत ठक ठक करते हैं, तो वैसे वो मुझे पसंद नहीं थे, सो दैट्स व्हाई अभी मैंने उसे चेंज किया है। बड़ी स्मार्ट लग रही हो पति, हमने पहना है दोनों ने सेम सेम, है ना, सेम सेम, थोड़ा बहुत सेम सेम है। या अगर बच्चे बीमार हो जाए ना, तो अपने आप का भी मन ऐसे होता है कि यार नहीं, अभी जो गेस्ट आ रहे हैं वो चाहते हैं कि प्रीत उनके साथ जाए, लेकिन ये सोच रहे हैं कि नहीं जाना क्योंकि विंकल की तबीयत ठीक नहीं है, तो ये रुकना चाहते हैं, उनके साथ नहीं जाना चाहते। लेट्स सी कि जाते हैं या नहीं जाते हैं। और आने वाला कौन है बताइए, ये तो बताओ आने वाला घर पे कौन है। एक्चुअली जो मेरे बुआ जी का लड़का है उसकी शादी है, वो हमें कार्ड देने आ रहे हैं, एंड तो मिठाई, और एक डब्बा लेके आएंगे मिठाई का, कुछ हाँ कपड़े वगैरह होते हैं जो नान के होते हैं ना हमारे पंजाब में, तो उसके कपड़े लेके आते हैं ना कुछ हाँ ऐसा। कपड़े होते हैं। हम है नानकशक के अंदर ना, नानकशक पर जाना है ना, सो इनके बुआ जी के बेटे की मैरिज है, और जो ज्यादा मिठाई आती है वो ऑलरेडी घर पे दे चुके हैं वो मम्मी पापा के पास, और कपड़े वगैरह अभी जो हमारे कपड़े हैं मामा ने कहा कि वो उनके पास जाना ही है तो उन्हीं को दे देना, तो ऑब्वियसली वो हमें भी मिठाई लेके आ रहे हैं। जो ज्यादा वाली मिठाई होती है ना, काफी किलो के हिसाब से देते हैं, जो वो घर पे दे चुके हैं, 5-10 किलो जो भी देते हैं। हाँ वो क्या बोलते हैं उसको, 20 किलो होगी ना बीस उनके, किलो क्या बोलते हैं उसको, हाँ 20 किलो ही होगी, पाजी पाजी नहीं ओ की कहते हैं, नारक नहीं उसको कुछ और बोलते हैं, उसको पता नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं। टिंग टिंग निशान जी का आपको मैसेज आया कोई, एनीवेज सो गाइस अभी हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, क्योंकि हम जस्ट उनकी वेट कर रहे हैं, सारा कुछ सब कुछ हो चुका है, बस पता विंकल क्या है, थोड़ी कई बार अपसेट किसी ने है। जो घर पे आना हो किसी ने ना, मतलब 3 बजे 4 बजे कभी भी आना हो, मतलब सारा काम रुक जाता है, क्योंकि ऐसा ऐसा हाँ रहता है भी अब कोई आएगा अब आएगा कोई ना, आएगा, अभी अभी वेट मेरी कर रहे हैं, अभी पता नहीं कब आना उन्होंने, जस्ट अभी हम वेट कर अभी रहे हैं सारा काम उनकी, छोड़कर अभी उनकी वेट कर रहे हैं, अभी अभी आए। सारा काम रुक जाता है, सो जब भी गेस्ट आते हैं ना तो ऐसे ही होता है, हमें फटाफट आए और काम खत्म हो जाए, दैट्स इट, है ना, क्योंकि सारा काम रुक जाता है। अभी कितने काम करने वाले पड़े हैं, वीडियोस की एडिट पड़ी है, शूट पड़ा है, सब कुछ अभी बंद कर रखा है, सो लेट्स सी कितने टाइम में वो आते हैं। या कहाँ चली, मैं बस इतनी बैठ गई हूँ कट कह रहे हैं दा। वीडियो को कट कर दूं, बैठ के बात करते हैं। सो गाइस अभी मैं आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करने वाली हूँ, वो है स्टे कॉर्की के ये आईलाइनर। इसमें बहुत सारे शेड हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली बाहर देखती हूँ शायद कोई आया, कोई नहीं था, मुझे लगा कि कोई बाहर आया है। या मैं शेयर करने वाली हूँ स्टे कॉर्की के ये आईलाइनर, जिन्हें मैंने मंगवाया है एक वेबसाइट से, एंड उस वेबसाइट को आई थिंक बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी जानते होंगे ये हैं, और इनकी जो यू नो काफ़ी टाइम तक आपके आईज़ के ऊपर ये स्टे करते हैं, बहुत टाइम तक रहते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं आईलाइनर। मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि आप लोगों को ये बताऊँ, मेरे पास बहुत सारे शेड हैं इसके, मैं आपको वन बाय वन बताऊँगी कौन कौन से शेड हैं। वैसे ही मैं आपको आपके साथ आई थिंक पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कुछ और मंगवाए हैं जो बहुत बढ़िया हैं। इसमें ब्लू, गोल्डन, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक एंड वाइट एंड या कई तरह के कलर हैं, मतलब आप देखिए काफ़ी कलर हैं ये मेरे पास स्टे कॉर्की। और सबसे बेस्ट बात मुझे पता क्या लगती है इसकी, इसकी ये बॉटल स्टाइल, इसका ये बॉटल स्टाइल मुझे एक्चुअली में बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, ये बॉटल स्टाइल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसका। छोटू सा पिंचू सा बॉटल है, और इसमें जो क्वांटिटी जो प्रोडक्ट आपको मिलता है काफ़ी अच्छी, लाइक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है आपको ये, जो आपकी लाइक आपके आइज़ के ऊपर काफ़ी टाइम तक स्टे रहता है, एंड वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, आपके लिए बेस्ट है। अगर आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं ना, शादी फंक्शन एंगेजमेंट पे भी, तो भी आप इसे गिफ्ट कर सकते हैं। और या शेड्स बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे शेड हैं, काफ़ी टाइम तक रहते हैं, क्योंकि मैंने अपने जब मैंने लास्ट टाइम इसका एक रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो मैंने अपने हैंड पे अप्लाई किया था, और नहाने के बाद कपड़े भी धोए सब कुछ किया, वो काफ़ी टाइम तक मेरे हाथ पे रहे हैं, वो हल्के से लाइट हुए थे, अदरवाइज पूरा दिन वो ऐसे के ऐसे थे, टस से मस भी नहीं हुए। तो मुझे ये जो स्वेचेज हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे, ये सभी आईलाइनर कलर सब तरह से मेरे लिए बेस्ट हैं। सबसे ज़्यादा जो हम शेड यूज़ करते हैं वो होता है ब्लैक, एंड अगर आप सोच रहे हैं आईलाइनर लेने की, या मेकअप या ब्राइडल किट तैयार कर रहे हैं, तो स्टे कॉर्की किफ़ायती है आप लोगों के लिए, प्राइस के मामले में भी, प्रोडक्ट के मामले में भी, और जो आपके यू नो उसकी जो स्टेबिलिटी है बहुत लंबे टाइम तक रहता है आपके आईज के ऊपर, सो बेस्ट है, आप इसे ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। तो चलिए आपके आपको इनका ना वन बाय वन करके कलर दिखाती हूँ कि कौन कौन सा कलर मुझे किस तरह से मिला है।
सो गाइज ये है शेड, ये 3 3 6 और 8, ये 8 शेड हैं। वन बाई वन मैं सबके स्वेचेस आप लोगों को दिखाऊंगी। ये है एक ब्लू, इसका जो बॉटल है वो भी ब्लू कलर में है, और आप बॉटल देख ही सकते हैं कितनी बड़ी और कितनी छोटी है। और अब मैं आपको इसका ब्रश दिखाती हूँ और इसका जो कलर है वो दिखाती हूँ। ये है ब्लू कलर एंड ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ये देखिए, ये स्वेच कुछ इस तरीके का है, ये डार्क ब्लू आप बोल सकते हैं या फिर नेवी ब्लू बोल सकते हैं, वो शेड है। जो सेकंड वाला है दिस वन, ये भी दिखाती हूँ आपको कौन सा शेड है, या इट्स गोल्डन शेड। अगर आप आई मेकअप कर रहे हैं ना तो उसके ऊपर भी इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हाइलाइटर होता ना एक गोल्डन कलर का, ये वैसा है और बहुत बढ़िया है, मुझे ये काफ़ी पसंद है एक्चुअली में। अगर आप आई मेकअप कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो कर सकते हैं। एंड जो थर्ड शेड है ये भी गोल्डन है, ये थोड़ा सा उससे इस तरीके का है, थोड़ा सा मतलब गोल्डन है, और जो पहले मैंने दिखाया है वो थोड़ा पिंकिश में है, पीच कलर जिसे बोलते हैं ना, दिस वन सेंटर वाला पीच में है। और ये है फोर्थ, फोर्थ शेड जो है दोस्तों दिस वन, ये है ब्लैक, आप देख सकते हैं, ओ सॉरी, ब्लैक ब्लैक शेड है। और जो नेक्स्ट है दिस वन, ये शेड कौन सा है, एक्चुअली सबकी बॉटल जो है ना वो लाइक ब्लैक में ही है मोस्टली। सो ये है वाइट, वाइट भी बहुत लोगों को पसंद आता है, वाइट शेड भी, आई होप आप लोगों को भी पसंद आए। और जो नेक्स्ट है दोस्तों दिस वन अगेन, ये ब्लैक, अच्छा मैंने आपको बताया था ना मैंने ब्लैक में ये बहुत यूज़ करती हूँ, ये मैंने पहले भी मंगाया था, ये भी बीच में ही आ गया। सो अभी मैं आपको मेरे ख्याल में 7 शेड जो है वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, है ना, ये भी बीच में मिक्स ही हो गया है। सो अगला है ये भी पीच कलर है, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क है, आप देख रहे हैं ये और ये दोनों शेड जो हैं ये थोड़ा लाइट में है और ये डार्क पीच कलर है, बहुत प्यारा कलर है। अगर आप आई मेकअप कर रहे हैं ना तो मस्कारा या फिर कुछ भी, मस्कारा नहीं मतलब आई मेकअप कर रहे हैं, आई शेडो लगा रहे हैं ना, तो उसके ऊपर भी इसको यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया जाएगा। और जो लास्ट शेड है दिस वन, इसका बॉटल भी इसी तरीके का है, ग्रीन, तो ये शेड है ग्रीन, तो आप देख सकते हैं सभी स्वैचेस जो है मैं आपको दिखा चुकी हूँ, एंड आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। आप इन्हें अपनी जो अगर ब्राइडल किट या फिर एंगेजमेंट के लिए कुछ सोच रहे हैं फ्रेंड्स को देने के लिए, या फिर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी एक ब्राइडल किट रेडी करना चाहते हैं वो भी सस्ते दाम में, तो आप ये लिप शे सॉरी आई जो लाइनर है ये स्वैचेस मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इनमें से कोई भी ले सकते हैं अच्छे दाम में। और ब्लैक तो यार जाएगा ही जाएगा हर किसी के साथ, लेकिन आजकल हम ड्रेस के साथ मैच करता हुआ आईलाइनर लगाना चाहते हैं, तो ये सभी शेड्स बहुत बहुत प्यारे हैं, पीच, गोल्डन, ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक एंड ग्रीन, ये तो देखिए हमेशा जाता है, ब्लैक तो जाता ही जाता है, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों। अगर आपको ये चाहिए, आप सोच रहे हैं मैंने कहाँ से खरीदे हैं, तो नीचे लिंक दे दिए हैं, वहां पे क्लिक करके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। एंड मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को ये जरूर पसंद आए होंगे, ये शेड स्टे कॉर्की के ये शेड हैं और बहुत प्यारे हैं, इन पिंचू सी बॉटल्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, एंड आई होप ये जो रिव्यू है आपको जरूर पसंद आया होगा। सो गाइज विंकल अभी तक सोई पड़ी है, अभी तक वो पड़ी है, उसके पापा बोल रहे हैं कि उसे उठा दूं उठा दूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसे रेस्ट की जरूरत है, शी वॉन्ट रेस्ट आई थिंक, तो मैं अभी उसे सोने ही देती हूँ, मैं उसको अभी नहीं उठाऊंगी, जब थोड़ा टाइम हो जाएगा लगेगा कि हाँ अभी ये प्रॉपर रेस्ट कर चुकी है तब मैं उसको उठाऊंगी और कुछ खिला पिला दूंगी। और डॉक्टर ने बोला है उसको हार्ड नहीं देना, अगर आपके बच्चे भी दांत निकाल रहे हैं या फिर अपने जाड़े वगैरह पीछे के दांत हैं जो वो निकाल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उन्हें लाइट खाना दें, जैसे कि डॉक्टर ने हमें बताया है कि उन्हें लाइट खाना दें, जैसे कि खिचड़ी, दलिया या ब्रेड या रस वगैरह उसको डिप करके वो दें, बिस्किट्स दें, उन्हें ऐसी हार्ड चीज़ ना दें जैसे कि रोटी, उन्हें चबानी पड़े ये चीज़ें मत दें, उन्हें थोड़ा लाइट फूड दें। और एक्चुअली मैं विंकल दोनों दांत इकट्ठे निकाल रही है, दोनों जो उसके पीछे की जाड़ी जिसे बोलते हैं वो दोनों इकट्ठे निकाल रही है, जिसकी वजह से वो बहुत पेन में है। एंड जब बच्चे पेन में होते हैं तो पेरेंट्स ऑलमोस्ट पेन में ही होते हैं, क्योंकि पहले तो हम बच्चों को बोलते हैं यार शरारत नहीं करनी, तो टिक के नहीं बैठता, तो टिक के नहीं बैठता, जब बच्चा टिक के बैठ जाता है फिर हम बोलते हैं यार ये शरारत क्यों नहीं कर रहा है ना, बच्चों के साथ ही मन लगता है, बच्चों के बिना लाइफ एक्सपेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, या मुश्किल है। तो विंकल शी इज स्लीपिंग, और अभी मेरे हस्बैंड का आया है फ़ोन, लाइक मामा का फ़ोन आया है कि जो गेस्ट आने थे वो अभी आए हैं या नहीं आए हैं, तो अभी तो नहीं आए हैं, लेकिन मैं विंकल को दिखाती हूँ आप लोगों को, वो रेस्ट कर रही है, शी इज स्लीपिंग राइट नाउ, देखिए
मेरा बेबी अभी सोया पड़ा है। ओके, हम इसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। नो, अभी हम इसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और या हम बाहर चलते हैं, बाहर देखते हैं, बाहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। कपड़े सभी मैंने ऊपर डाले हैं और प्रीत अभी भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं गेस्ट की, गेस्ट तो अभी नहीं आए हैं। कपड़े देखिए किस तरह से पूरा गंद मचाया हुआ, क्योंकि एक बार में कपड़े वॉश किए हैं तो वॉश करने के बाद मुश्किल हो जाता है, यू नो, सब कुछ एकदम से वो करना है ना। बाहर बहुत धूप है, बड़ा मतलब बहुत धूप है, तो पति अगर पतंग उड़ाना चाहते हैं तो उड़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर गीला गीला सा मौसम हुआ पड़ा है, गीला गीला सा। कल तो देखते हैं गेस्ट कब आते हैं, या हम कर रहे हैं उनकी वेट। सो गाइस, अभी पता चला है कि गेस्ट जो हैं वो अपने किसी रिलेटिव के घर पे गए हैं, तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मतलब वो अभी रास्ते में नहीं है, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आई थिंक मैं अपना तब तक काम ख़त्म कर लेती हूँ और आप भी इस ब्लॉग को यहीं पे छोड़ दें। या मैं आपको मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में। दोस्तों, बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो सकते हैं। विंकल तो चलो मौसम की वजह से बीमार नहीं है, वो अपने दांतों की वजह से बीमार है। बीमार नहीं है, शी इज़ जस्ट लिटिल बिट टायर्ड, है ना, थोड़ी डिस्टर्ब है, अदरवाइज शी इज़ फाइन, है ना। तो आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें लाइट फूड दें अगर वो भी दांत निकाल रहे हैं। डॉक्टर की एक बार एडवाइस ज़रूर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ बच्चों के इस एरिया में मसाज करें। और हाँ, बच्चे बताएंगे तो नहीं, लेकिन उनका जो हेडेक है, सिर दर्द जो है, वो होना शुरू हो जाता है। तो मैंने विंकल का पूरी रात सिर दबाया है, धीरे धीरे करके सिर बच्चों का ज़रूर दबाते रहें, क्योंकि जब बच्चे दांत निकालते हैं ना तो उनका वो हेडेक भी ज़रूर होता है। और उनके तलवों, जो पैरों के नीचे तलवे क्या बोलते हैं उसको, नीचे से उसकी मसाज भी करें देसी घी से, या फिर आप उसकी पिंजनियाँ जो हैं बच्चे की, वो भी उसकी भी मसाज करें, उन्हें बहुत रिलीफ मिलता है। अभी वो सो रही है तो धूप में जाके उसकी थोड़ी बहुत मैं मसाज करूँगी, ताकि उसको अच्छा लगे। और ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। दोस्तों, मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।